इमाम जैनुल आबिदीन का रंग जर्द हो जाता जब करबला की याद आती और बसा औकात शहर से वाहशत होने लगती और दूर बाहर निकल जाते और जा करके वहां खेमा गाड़ लेते और महीना महीना वहां जिक्र फिक्र और इबादत में लगे रहते। इमाम जैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में जंजीरें और ऊंट पे बांध करके जब हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को शहीदों की लाशों के करीब से गुजारा गया तो गशी पे गशी तारी हो रही थी इमाम जैनुल आबिदीन।